हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल की रिसर्च एकेडमी में। गाइस, जो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है, आईपीओ। यस, आज मैं आपको आईपीओ का काला सच बताने वाला हूँ आपके और मेरे भाषा में, यानी कि बहुत आसान लेमन वर्ड्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। राइट, तो आज जैसा कि आपने देखा होगा दो आईपीओ एक्सचेंज में लिस्ट हुए हैं। पहला कैम्स करके आपका है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इस डिजिटलाइजेशन का जो पेमेंट गेटवे है उसके माध्यम से है, और इसमें 1200 समथिंग का इशू प्राइस था, और आज जब 10 बजे मार्केट खुला 1500 के ऊपर ये प्राइस जो है इशू हुआ है। राइट, ओवर मतलब 1200 समथिंग में था और 1500 के ऊपर ये खुला है, और इसमें ऑलमोस्ट 23% इंट्राडे लिस्टिंग गेन, जिसको हम बोलते हैं 23% का लिस्टिंग गेन हुआ है। अब बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे जिनके पास, पहली चीज ध्यान से समझना, पहली चीज जिनको अलॉटमेंट मिला है हार्डली रिटेलर्स में 2%, 4%, 5% लोगों को मिला होगा। ठीक है, जिन लोगों को मिला है तो आज खुश होंगे 1200 रुपए की चीज 1500 रुपए बिक रहा है, लेकिन जाते जाते आपको ही पता है 1400-1390 के आसपास, यानी कि ओपन तो ऊपर हुआ है, क्या आपने प्रॉफिट बुक किया? नहीं किया, यानी कि 1200 से 1300 मतलब ऑलमोस्ट 80-90 रुपए का आपका बेनिफिट हुआ। अच्छा, अब मजे की बात समझना, मजे की बात, लिस्टिंग में 80 रुपए आप लेके जा रहे हो अगर 3 बजे तक होल्ड कर रहे, और आपको बताया गया होगा कि भैया ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है इसलिए आप इतना किया है, और जब इश्यू प्राइस आया था इसका जिस तारीख को 3 दिन के लिए, भारी भरकर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भर भर के लिया था, और आपने खुद न्यूज पे भी टॉप हॉट टॉपिक था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना चाहूंगा एक छोटा सा उदाहरण देके, और वो उदाहरण है मेरे भाई आप और मैं रिटेल ट्रेडर्स हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर जो नॉर्मल सोचता है, नॉर्मल खाता है, नॉर्मल रहता है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है, नॉर्मल आदमी। अब जब आपको हर जगह हाइप मिला, हर टीवी एनालिस्ट, हर यूट्यूबर, हर बंदा आके ब्लॉग्स, जिसको भी आप फॉलो करते हो, उसने आके आपको बोला भाई इसको खरीदो 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 लिस्टिंग गेन मिलेगा, कुछ ने बोला पोजिशनल है, कुछ ने बोला कि भैया मार्केट लीडर है इस सेक्टर का, फाइन एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ थम्स अप है। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूं उल्टी तरफ, एक पॉइंट के दूसरे तरफ की, कितने लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है। पहली चीज, आपने 10 दिन के लिए अपना पैसा ब्लॉक किया जस्ट बिकॉज ऑफ इतने सारे लोगों ने किया, यानी कि भेड़ चाल चल रही थी, आपने भी उस भेड़ चाल में पार्टिसिपेट किया, और लास्ट में कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। 200 रुपए के लिए आपने काम किया, और लॉट साइज कितना था, कितने अलॉट हुए हैं, ये भी प्लीज अपने जाके चेक करिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, आपको पता होगा। सो मजे की बात, जो स्कैम मैं बोल रहा हूँ वो है क्या, किस तरह का मैं स्कैम की बात कर रहा हूँ, सब कुछ तो बढ़िया है, सारे फीचर तो बढ़िया बताया सर ने अभी तक, स्कैम है क्या, आप समझना स्कैम। ये स्कैम एक आसान से लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं दबाया, और आप नए हो, पहली बार देख रहे हो गाइस, प्लीज इमीडिएट बेसिस पे आप बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको ये जो आईपीओ स्कैम के बारे में बात कर रहा हूँ, काला सच के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ये जो आईपीओ स्कैम है गाइस, आसान शब्दों में समझना, एक रिटेलर है आप और मैं, एक मतलब एप्पल्स आपने खरीदते हो डेली बेसिस पर, आप खरीदते हो फ्रूट्स खरीदते हो, राइट सर, क्या हम रिटेलर्स को जो हाई क्वालिटी का माल होता है, जो मतलब नंबर वन माल होता है एप्पल के अंदर, सिर्फ एप्पल की बात कर रहा हूं, क्या आप लोगों को मिलता है? कश्मीर में होते हैं, कश्मीर से आप तक पहुंचता है, आप मुझे बताओ कितने सारे बैरियर्स होते हैं। तो एक हाई क्वालिटी का एप्पल आप तक क्या पहुंचता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं पहुंचता तो जाता का है, सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, सारा का सारा क्वालिटी माल, आप सिर्फ एप्पल नहीं कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, अच्छी चीज सब एक्सपोर्ट हो जाती है,
जो हम हैं रिटेलर्स उसके पास आता है बचा कुचा कचरा माल, बचा कुचा जो सर ठीक है बस हाँ खा सकते हो बस वो बस, और आप खुश हो जाते हो अरे वाह मैं तो सस्ते में नहीं आया, कहाँ एप्पल सस्ते में नहीं आया, राइट। तो सेम चीज यही लॉजिक है भाई, अच्छी चीज आपके पास मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी तो भाई एक लॉट मिल गया हो गया, या फिर आप बताओ कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप में से कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों ने कितना रुपए का प्रॉफिट किया है। दिल पे हाथ रख के बोलना मेरे लिए नहीं भाई, जो आपको मिला है यस मिला है तो प्लीज लिखना यस मिला है, यानी कि हैशटैग अलॉट अलॉटेड, राइट। और अगर नहीं मिला है तो प्लीज लिख के बताना आप भी कि भैया नहीं मिला, राइट। तो इम्पोर्टेंट इज जो कमेंट सेक्शन आएंगे उसमें पता चल जाएगा कितने लोगों को मिला है, सर हार्डली कितने रुपए का फायदा हुआ, अच्छी चीज तो पहले भी की, तो क्यों पैसा लगाना आईपीओ पे, क्यों रात रात भर बैठ के दूसरों पे वीडियो देखना कि हाँ ये आईपीओ अच्छा है नहीं है, क्या हम इसमें निवेश कर सकते हैं। मेरा जो मानना है, अब मैं आपको अपना तर्क दूंगा, जो मेरा मानना है अगर चीज अच्छी है क्यों जबरदस्ती भीड़ चाल लगा के लाइन में खड़े होके फिर उस प्रोडक्ट को लेना है। सब चीज अच्छी है और आपकी किस्मत में है ना भाई, महंगा बुल कभी महंगा नहीं होता, हमेशा याद रखना बुल कभी महंगा नहीं होता और बियर कभी सस्ता नहीं होता, बियर हमेशा बियर रहेगा, चाहे 10 रुपए की चीज हो चाहे 5 रुपए की चीज हो चाहे 2 रुपए की चीज हो, वो हमेशा सस्ता ही दिखेगा, और महंगी चीज हमेशा महंगी रहेगी, चाहे वो 500 रुपए की चीज हो 1000 रुपए की हो, बुल हमेशा बुल है। तो अगर इस आईपीओ में दमखम है तो सर 2 महीने का 3 महीने का वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद सही वैल्यूएशन आएगा, हमें दिख रहा है कि हाँ अभी भी दम है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने भर भर के माल लिया था, जो मैं एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा था, उन सब ने लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि नहीं सोचा था, जब उनको पता है कि यार 200 पॉइंट तो ये गैप अप खुलेगा, 1300 की चीज 1500 रुपए पे खुलेगा, उनको नहीं सब पता चलता है कंपनी में कितना दम है, वो क्या प्रेजेंट कर रही है आप लोगों तक, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, किस तरह से ब्रांडिंग करी जाती है, किस तरह से मार्केटिंग करी जाती है, ये सारे उसके पार्ट होते हैं, सब मिले जुले भगत होते हैं। तो जब उनको पता है 200 पॉइंट लिस्टिंग गेन होने वाली है तो क्या भाई मैं अपने पड़ोसी के अपने दोस्तों के अपने फ्रेंड्स के अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में बोलूंगा नहीं कि भैया इसको अलॉट करो इसको अप्लाई करो भर भर के लो, बोलूंगा ना। सिंपल सी बात यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हमारे पास ये चीज आई नहीं और आई तो कम क्वांटिटी आई, लेकिन उसने आपके इस ग्रीड से खेल गए, जो ऑपरेटर है जो बड़ा मार्केट में बैठा है वो आपके लालच से खेल गया, क्यों आप सबने भर भर के खरीदा है। और मेरी बात हमेशा याद रखना, होलसेलर कभी भी महंगे रेट पे दाम नहीं खरीदता है, महंगे रेट पे अपना माल नहीं खरीदेगा, और रिटेलर महंगे रेट पे खरीदेगा। तो जो आज लोगों ने बहुत सारे जैसे सुबह खुला 1500 रुपए के, और आपने देखा होगा विद इन 10 मिनट्स के अंदर एक बड़ा कैंडल मारा है 1500 से लेके कितने का लो मारा है, जितने में आपने अप्लाई किया था ऑलमोस्ट उसी के आसपास का लो आ गया है। तो क्या हम वो 10 दिन का रश लगाएं और फिर हमें मिले ना मिले फिर हम डिमोटिवेट हो जाए यार हमें तो मिलता ही नहीं है, दिमाग लगाया, इंट्राडे में ही आपको जिस रेट पे इशू हुआ था उसी रेट के ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1200 समथिंग पे आपको मिल गया है, लेकिन हां 100 रुपए ऊपर मिला है प्राइस, तो उठाओ ना सर, अगर आपका मन था उठाओ, राइट। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं सर, मैं कभी आईपीओ अप्लाई नहीं करता हूं, मेरे को आईपीओ का नेचर पता हो गया क्योंकि आज से नहीं कम से कम 5 से 6 साल हो गए मुझे आईपीओ में ट्रेड करते हुए, आई हैव अ प्रॉपर आईपीओ सेटअप, जिस सेटअप की मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि भैया किसी भी मार्केट में पैसा कमाना है तो यू शुड हैव प्रॉपर सेटअप, वो सेटअप है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मनी मैनेजमेंट है, उसके बेसिस पे आज मैंने करीब करीब 7.5 लाख रुपए विद इन 5 to 6 मिनट्स के अंदर पैसे अंदर किए हैं, जिसका लाइव प्रूफ नीचे टेलीग्राम है उसको जाके आप ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे नई चीज़ें अपडेट करता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ, कॉल देता हूँ, उसमें जाके जरूर देखना, प्रूफ लाइव प्रूफ आपको दिया है। और अभी मैं आपको अपने सिस्टम के माध्यम से भी दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए कि यस कितना हम लोगों ने बनाया। तो कहाँ आपने 10 दिन का होल्डिंग किया, मिला पहली बार तो मिला ही नहीं, और जिसको 2-4 को मिला जो कमेंट सेक्शन में लिख के बता रहे हैं भाई
कितना मिला, तो आपको फायदा क्या हुआ, क्या आपने बुक किया? अब जो आप सोच रहे थे कि दो साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, पांच साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, एक साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, जितने यूट्यूबर्स आके बोल रहे थे हाँ लंबा अच्छा है अच्छा है, भाई 7.5 लाख रुपए जो आप पांच साल के लिए ग्रोथ सोच रहे थे वो मैंने 5 मिनट में कवर कर दिए, चलो 5 नहीं 10 मिनट में कवर कर दिए। तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट नाउ, बिल्कुल फ्रेश मार्केट है, जस्ट बिकॉज अब एक हाई था उसके बेसिस में मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लूं? आई एम सो सॉरी। होलसेलर महंगे दाम पे आपको अपना माल चिपकाएगा ये बोल बोल के कि ये भैया आगे इतना बन जाएगा, 2000 चले जाएगा, 5000 चले जाएगा, 10000 चले जाएगा, आपको ग्रीड पैदा करेगा और होलसेलर अपना माल आपको चिपकाता चले जाएगा। समझ में आ रहा है काला सर? थोड़ा सा लंबा बनाया वीडियो सर, एक्चुअली अगेन सर दिल से देना चाहता हूं, मेरे पास वो नहीं कि काट पीट कट पीट, नहीं सर दिल से आती है चीजें, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। बस आपको एक चीज देनी थी, आप लगे रहते हो आईपीओ, मैं नहीं लगा रहता, जो आप सोचते हो कि 3-4 साल 5 साल में मैं पैसा उसमें से मेरे को आरओआई आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बोलते हो इन्वेस्टिंग करके, और मैं देखो लिक्विडिटी को किस तरह से 10 मिनट के लिए पैसा लगाया वो पैसा निकाला 7.5 लाख रुपए साथ में खींच लिया। प्योर गेम ऑफ सेटअप एंड नॉलेज। और ये चीज मैंने कैसे की, जबकि टेक्निकल एनालिसिस बिग जीरो, टेक्निकल पहले दिन तो खुला है भाई, क्या टेक्निकल एनालिसिस करोगे, क्या इंडिकेटर लगाओगे, कुछ भी नहीं, प्योर प्राइस एक्शन गेम, प्योर प्राइस एक्शन गेम। है कोई मार्केट में जो आपको बताएगा? इसलिए बोलता हूं एजुकेट योरसेल्फ, सीखोगे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, और अपने जॉब भी करते रहो साथ में, अपने आप को पावरफुल बनाओ एक साइड इनकम के लिए। जैसे जैसे साइड इनकम आपकी बढ़ती चली गई, जॉब को छोड़ते चले जाओ सर, अपने सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बनो बॉस। और यही हमारा मोटो है, यही हमारा मुहिम है, और उसी के लिए हम आपको बार बार अपने टेलीग्राम में हर माध्यम से बताते हैं कि भाई एजुकेट योरसेल्फ। अब सोच के देखो 7.5 लाख रुपए, अब आप बोलोगे तो ब्लफ है मेरे बड़े भाई, आज पहला था दोनों में ट्रेड करके दिखाया, एमटर्म दिखाया, नेक्स्ट आईपीओ आप मुझे बताओ उसका एमटर्म मैं आपको डाल के देता हूं, लॉस होगा प्रॉफिट होगा बाद की बात है, आई बिलीव इन माय सेटअप, नथिंग इज 100% आई नो, बट आई नो व्हाट इज माय रिस्क कैपिटाइज। अगर मुझे पता है कि मैं इसमें 50,000 का रिस्क ले रहा हूं, 50,000 में 7.5 से 10 लाख रुपए उठाऊंगा, 50,000 दे दूंगा मार्केट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये एक ऐसा जैकपॉट स्ट्रेटेजी है, जैकपॉट लेवल है, ना इंडिकेटर ना टेक्निकल एनालिसिस ना फंडामेंटल, कुछ जरूरत नहीं है। कैसे? उसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। यहां पे मैं ऐसे ही नहीं बैठा हूं, 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, राइट? सो ये आपको काला सा समझना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ भागम भाग में बाई करो नहीं, जस्ट सिट रिलैक्स, प्राइस आपके रेट पे आएगा, अच्छी चीज होगी वो आएगा ही आएगा और आपको रिस्पेक्ट करेगा। 3 महीने टाइम दो उसको, चलने दो, जो बड़े बड़े ऑपरेटर 3 महीने में बड़ी बड़ी एक्टिविटी कर लेंगे, किसको निकालना है निकाल लेगा, जिसको रखना है रख लेगा, आपको पता चल जाएगा पूरे चार्ट के माध्यम से 3 महीने में, जब पूरा डेंजरनेस जो एक हाई था वो खत्म हो जाएगा, तब शांत दिमाग से सोचो ना कि शुड आई गो फॉर 4 मंथ्स, शुड आई गो फॉर 10 मंथ्स, शुड आई गो फॉर 4 इयर्स, शुड आई गो फॉर 10 इयर्स, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो करो ना, उसके बाद किस चीज का बेटा प्राइस भाग जाएगा? नहीं बड़े भाई, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स देखे मैंने आईपीओ में, लिस्टिंग होती है उसके बाद एक ही दिन में 10-10% गिर जाता है। तो पैसा आपका है, दिमाग आपका है, आपको यूज करना है, क्या सही है क्या गलत है, मैं तो बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तो आपको सिर्फ अप्रोच बता सकता हूँ, पैसा तो आपको ही कमाना है, मेहनत आपको। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड पैसा कमाना चाहते हैं, तो गाइस नीचे एक रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी मैं आप लोग लेके आया हूँ, बहुत छोटे से प्राइस में, बहुत छोटे से दिवाली ऑफर पे 7 नवंबर को 2 घंटे का वेबिनार है ऑनलाइन, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़िए, 2000 स्टूडेंट्स के लिए इससे ज़्यादा नहीं है, इस 2000 स्टूडेंट्स को मैं अपना पावरफुल सीक्रेट सेटअप देने वाला हूँ, जो ना किसी किताब में ना किसी यूट्यूब में आपको मिलने वाला है, राइट? तो मोस्ट वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है, किंग रिसर्च की फैमिली में जुड़िए, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सब पैसा, मैं आपको उस
वेबिनार में मैं आपको देने वाला हूं कि मॉर्निंग 5-10 मिनट में कौन से स्टॉक में बैट किया जाए, कौन से स्टॉक में पैसा लगाया जाए। सबसे बड़ा रिटेल ट्रेडर में यही दिक्कत है, सुबह सुबह इतने सारे स्टॉक होता है किस में ट्रेड करें। मेरे इस सेटअप से सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही मिलेगा भाई, ये चार स्टॉक हैं इसमें अपना 5-5-5-5 लगा दे, छोड़ दे। 3 बजे आपको पता चल जाएगा क्या वो टॉप बिगिनर है या फिर टॉप लूजर है, सेल किया होगा टॉप लूजर, बाय किया होगा टॉप लूजर। एक्यूरेसी लेवल 80% प्लस, इससे बड़ी एक्यूरेसी लेवल मैं दे नहीं पाऊंगा भाई। जो लोग आपको बोलते हैं 90-100% ऐसी लेवल, भाई हंस के निकाल दे उनके पास, कोई बॉर नहीं हुआ है 90% 100% एक्यूरेसी लेवल। हाँ, तुक्के में बोलोगे कुछ भी चल जाएगा, पैसे कम ना लगे, जब पैसे लगे होते ना इमोशंस आता है, और जब इमोशंस आता है आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे। गवा जरूर दोगे क्योंकि आप लालची हो, गवा जरूर दोगे क्योंकि ज्यादा कमाना है, 10,000 के इन्वेस्टमेंट में 10,000 कमाना है, ये चक्कर। और गाइस एक और ब्यूटीफुल चीज, मैंने एक और वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, 1 महीने में 100% ROI लाइव लेजर के साथ, प्लीज गो एंड चेक, ऊपर देखो आई बटन आ गया है, इसका मतलब वी आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, पैसा हम खुद बना रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं कि बनाओ। सिर्फ एक दिन पूरे सितंबर मंथ में सिर्फ एक दिन हमारा लॉस है, और लॉस जानोगे कितना है, 2,000 रुपए का, और प्रॉफिट जानोगे कितना है महीने भर में, 1,00,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हो वीडियो जरूर देखना, थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या कमी रह गई, क्या और जानना है, किस बारे में रहना है, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हो, मोस्ट वेलकम सर। जब तक आपका फीडबैक नहीं दोगे तब तक हम आपके ग्रो करेंगे, राइट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। और अगर आप भी सीखना चाहते हो ये IPO वाली स्ट्रैटेजी, यस आई एम रेडी टू टीच यू, अगर आप भी सीखना चाहते हो IPO वाली स्ट्रैटेजी, ओनली इन वर्कशॉप, नो वेबिनार, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में चीटर्स हैं, मैं जो रियल ट्रेडर हूं उनको देना चाहता हूं ओनली इन वर्कशॉप। कोरोना ठीक हो जाने दो, जब हम वर्कशॉप लेना चालू करेंगे IPO वाली स्ट्रेटेजी। और गाइस जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पुराने, जो मेरे वर्कशॉप में है, आपको मैंने IPO स्ट्रेटेजी दी है, प्लीज गो एंड चेक, उसी बेसिस पे 7.5 लाख रुपए करके हैं। और 2 मिनट का वीडियो मैं आपको, मतलब स्क्रीन में आपको देखो नीचे आ रहा होगा प्रॉफिट एंट्री। जय।